कम बैक इन टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो वो होने जा रही है शाहिद गुजर की शॉप के ऊपर और हम आए हैं ट्विंटल मार्केट लाहौर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। अच्छा दोस्त बताइएगा आज हमें आप क्या चीज दिखा रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? मैं पूरा डॉग दिखा रहा हूं। ठीक है मंगवा लीजिएगा सबसे पहले आप। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं पूडल डॉग जो है माशाल्लाह से काफी अच्छे साइज के अंदर। अच्छा दोस्त सबसे पहले आप ये बताइएगा पूडल के अंदर ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं? पूडल में काफी ब्रीड्स हैं। ठीक है अमेरिकन पूडल होता है, ठीक है रशियन टेरियर होता है, ठीक है टेरियर पूडल होता है, एक टॉय पूडल भी होता है फ्रेंच पूडल उसको बोलते हैं हम। ठीक है अच्छा ये कौन सी ब्रीड है जो सामने मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं? पूडल है अमेरिकन पूडल इसे बोलते हैं। जबरदस्त है और इसकी हाइट ये जो देख रहे हैं हम ये लास्ट हाइट है? ठीक है मैक्सिमम है। ठीक है इसकी एज के स्ट्रीम ये जो आप दिखा रहे हैं हमें 18 मंथ्स की फीमेल है। 18 मंथ्स की फीमेल है जी। इट्स मीन इसने पहले ब्रीड किया नहीं अभी नहीं किया ये जिन्होंने जस्ट इन्होंने 1 पीस ही रखा हुआ था। ठीक है ब्रीड वगैरह नहीं करवाया उन्होंने शौक लिया इसे शौक किया इसका उन्होंने और ब्रीड वगैरह निकलवाई और अगर इस स्टेज के अंदर ब्रीड लेते हैं वो हेल्दी ब्रीड होगी। हाँ जी हाँ जी जबरदस्त है। और इसका हीट का क्या प्रोसीजर है? ये आजकल आई हुई है या आगे किस सीजन के अंदर आएगी? आने वाली है बस ये आगे हीटिंग सीजन स्टार्ट है। ठीक है ठीक है ना सीजनल ही होता है ये और बाहर का जब आता है ना तो मोस्टली बिल्लियां कैट्स वगैरह डॉग्स वगैरह एनिमल्स वगैरह। ठीक है पे आते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि इंटरेस्टिंग होते हैं लोग ये जानने के अंदर कि पूडल डॉग की नेचर किस तरह की होती है बेसिकली? बहुत ही फ्रेंडली डॉग होते हैं। ठीक है प्लेइंग डॉग होते हैं ये। ठीक है ना घूमना आपके साथ मस्ती खेलना भागना कुछ चीज़ आपके इनके बॉल शॉल के साथ तो वो ज़्यादा इनको जो है ना खुश रहते हैं। जबरदस्त। अच्छा थोड़ा सा डॉग को आप साइड पर काट लीजिएगा ताकि आप भी जो है मेरे व्यूअर्स को नजर आते हैं साथ साथ डॉग थोड़ा सा साइड पर रख लीजिएगा। जी ज़बरदस्त है अब ठीक हो गए। अच्छा गुजर साहब आप ये बताइएगा कि ये डॉग आपने 18 मंथ्स का बताया है फीमेल बताइए आपने फीमेल। अगर मेरा कोई व्यूवर ये लेता है फ़र्ज़ करें तो उसे साथ जो है स्टड के लिए मेल मिल सकते हैं? हाँ जी मेल मिल जाएगा जो भी उसको चाहिए होगा मेल जो है इजीली जो है आप करवा दें स्टड के लिए। हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं जी जिनको हमने सेल भी करते हैं तो हमें पता होता है कि स्टड के लिए ये डॉग अवेलेबल है। ठीक है क्रॉसिंग वगैरह करवा देते हैं हम। ठीक है ज़बरदस्त हो गया। अच्छा गुजर साहब ये बताइएगा कि ये जो डॉग्स हैं ठीक है ये आउटडोर भी रखे जा सकते हैं या सिर्फ इंडोर डॉग ही हैं? ये ज़्यादातर इंडोर डॉग हैं। ठीक है ठीक है और ये आउटडोर भी रख सकते हैं लेकिन मौसम के लिहाज से सर्दी में ये इजी होते हैं। ठीक है गर्मी में थोड़ा सा इनको टेंशन होती है। ठीक है वो ये है कि फिर आपके क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। जी जी अच्छा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि गर्मियों के अंदर जो है इनके बाल ट्रिम करवा लें तो वो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। ठीक है वो इनके साथ आप नेकी करेंगे अगर आप इनको एसी वगैरह नहीं दे सकते अगर तो एसी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है तो ये आप ना कटवाएं। ठीक है अगर एसी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इसको ट्रिम करवा लें एक दफ़ा नहीं ट्रिम करवाएं। ठीक है अगर नहीं करवाएंगे जानवर का वेट भी कम होगा उसकी हेल्थ इशू भी आएंगे। ठीक गर्मी ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि व्यूअर्स जो हैं फर्स्ट टाइम लेके जाते हैं आपसे ठीक है और गर्मियों के अंदर उन्होंने ट्रिम करवाना हो तो आप भी कर देते हैं ट्रिम? नहीं हम नहीं करते। ठीक है उनको जो है ना रेफर कर देते हैं। ठीक है प्रेफरेंस दे देते हैं कि रेफर कर देते हैं कि इस जो है वेट के पास आप चले जाएं या ग्रूमिंग सेंटर में चले जाएं जो है ये ट्रिमिंग करता है तो ट्रिम वो नंबर वगैरह आपको दे देते हैं। ज़बरदस्त है। अच्छा दोस्त एक चीज़ और कन्फर्म कीजिएगा कि इसके जो एक दफ़ा ट्रिम करने के बाद जो बाल हैं वो दोबारा कितने टाइम के बाद आते हैं? देखेंगे 3 से 4 महीने लगते हैं। ठीक है अगर आप मार्च अप्रैल में ट्रिम करवाते हो तो ठीक है जब सर्दी स्टार्ट होगी 9 सितंबर सेप्टेम्बर नवंबर अक्टूबर में। ठीक है वहाँ पे इनके बाल अच्छे ग्रोन अप हो जाएंगे। ज़बरदस्त है। और बालों के अंदर कोई डिफरेंस आएगा जैसे ठीक हो जाते हैं या कोई इस तरह करके या सेम ऐसे होंगे? आप इनकी इनका ये है सबसे बड़ी बात है कि जब आपने लॉन्ग हेयर कोई भी डॉग है या कैट है उसको वॉश करना है वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई ब्लो ड्राई लाजमी करें। ठीक है वैसे नहीं छोड़ देना तो खुद ही खुशक हो जाएगा। सर्दी के अंदर जो है वो ज़रूरी है जो इन्हें जो है ड्राई अपने साथ करना है अगर इनके आप बाल
क्योंकि ये बालों से खूबसूरती है इनकी जी बिल्कुल, नहीं करेंगे तो बाल झुक जाएंगे बिल्कुल। इसी तरह वीक में एक या दो दफा इनको प्रॉपर ब्रश है, प्रॉपर ब्रश जो है वीक में एक दो बार करें ठीक है, लाजमी करें और डेली बेसिस पे अगर एक दफा काट लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर है। बात याद नहीं भी रहता भाई ठीक है, आपको डेली बेसिस करें तो वो तो सोने पे सुहागा है बिल्कुल इसी तरह से ही है। और वैसे अगर नहीं किसी को टाइम मिलता तो आप वीक में दो दफा लाजमी करें। अच्छा टाइम से याद है कि यानी डॉग्स को टाइम देना जरूरी है कि मतलब इसे डेली बेसिस के ऊपर आपको अच्छा टाइम देना चाहिए या वैसे खाने के लिए जो है बात है कि खाना खा ली रखते हैं या आपने खाना खा लिया तो वो कोई टाइम नहीं है, वो फिर ठीक है कोई शौक नहीं है ठीक है, मैक्सिमम इनको टाइम देना चाहिए जो इनका बनता है बिल्कुल। जानवर खुश रहता है ठीक है, टाइम नहीं देंगे डाइट सोना भी डाल देंगे ना उसके आगे वो फिर भी एग्रेसिव हो जाएगा, ये हो सकता है हो जाएगा, वैसे भी उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी ठीक। इंसान है या जानवर है वो खुश रहेगा तो पले भूलेगा बिल्कुल इसी तरह से ही है, अगर वो खुश नहीं है तो उसने जो भी खाना है उसको लगने ही नहीं है, ये बात भी आपको बिल्कुल ठीक है। साथ जुड़े इससे अच्छा रखेगा, अगर टाइम नहीं है किसी के पास तो ज़बरदस्त है। बात इन्होंने बहुत अच्छी की है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं है अपने जानवर को दे सकते तो फिर आप ना लीजिए बिल्कुल इसी तरह से ही है बिल्कुल इसी तरह और लेनी है फिर ये बतवा है किस्म जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। अच्छा दोस्त बताइएगा कि आपके पास इस ब्रीड के अलावा और भी ब्रीड्स पूडल की अवेलेबल हो जाएंगी? होती रहती है हमारे पास, आती रहती है तो जैसे जैसे आती रहेगी हम अपने चैनल पे दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह ठीक है। तो हमारे पास आती रहती है काफी ब्रीड, रशियन पूडल टेरियर वगैरह आठ ब्रीड आती है जबरदस्त है। तो ये है कि बाद बार भी कहते हैं कि जी अभी अभी चाहिए तो देखें तो थोड़ा सा टाइम दरकार होता है बिल्कुल इसी तरह से ही है, डिमांड होगी थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, हम अवेल करके देंगे ठीक है, क्वालिटी आप उन्हें देंगे जी अच्छी चीज़ जी बिल्कुल ज़बरदस्त है। बात होते हैं जो क्रेज होता है जी अभी चाहिए आज ही चाहिए जी जी चाहिए, तो कोशिश करें कि टाइम दें ताकि अच्छी चीज़ आपको मिल जाए ज़बरदस्त है, हमारे पे भी ब्लेम ना हो बिल्कुल इसी तरह सही है। अच्छा दोस्त बताइएगा कि इसकी हाइट इस टाइम जो है वो कितनी है, एक फीट से ऊपर है कितनी है ये थोड़ा सा बता दीजिए। इसकी हाइट होगी 12 से 14 इंच, 12 से 14 नहीं होगी, 12 ही होगी 12 तकरीबन 12 इंच 10 से 12 इंच जो है व्यूअर जिसका साइज है। और वेट कितना होगा इसका? इसका वेट मैक्सिमम होगा 15 kg प्लस 15 kg प्लस। अच्छा एक चीज़ दोस्त मैं पूछना चाहूँगा कि कोई व्यूअर लेना चाहता है और वो इस बात से परेशान होता है कि यार ये जो है ना ये बड़ा हुआ है, बड़ा हो गया हुआ है, हमें बब्बी चाहिए, तो आप किस तरह उन्हें कन्वेंस करेंगे कि वो जो है बड़ा भी ले लें तो वो भी बेहतरीन है? देखें ये जो ऐसी ब्रीड्स हैं फैमिली डॉग्स वगैरह जो होती हैं मोस्टली ये ट्रेंड होते हैं जी, इनमें इतनी टेंशन वाली बात नेचर वाइज जो है इनके अंदर टेम्परेचर होते हैं ठीक है, अच्छे होते हैं, जिन्होंने भी ये ब्रीड को रखना है बड़े खूबसूरत तरीके से प्यार से रखना है जी। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं डॉग्स में जो अग्रेसिव होती हैं जी, इनका आप 1000 में से 10 ब्रीड्स ऐसे होंगे जो अग्रेसिव होंगे ठीक है, वो भी उसके ओनर की जो है ट्रीटमेंट की वजह से वो जो है उसका जो डिफरेंस आएगा जी, 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 जी। वैसे जो है ये इसके अंदर कुदरती तौर पे नेचर इस तरह का जो ये फैमिली डॉग है ठीक है, ये बड़ा लें छोटा लें एक ही बात है, छोटे को ये आपको संभालना पड़ेगा, बड़ा ये के इसीलिए ट्रेंड होते हैं थोड़ा सा टाइम पर बात होता है मनहूस होने में जानवर को जी जी, लेकिन वो हो जाता है बिल्कुल इसी तरह से ही है। तो व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा गुजर साहब ने काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन हमें पूडल डॉग के बारे में दी और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस इस शॉप से और जानवरों से रिलेटेड जितनी भी जो वीडियोस हैं वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी ऑल पे करें ताकि बेल के आइकन को आप ऑल पे करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो तक आपका पहुँचती रहेगी बिल्कुल इसी तरह से पहुँचेंगी इन्फॉर्मेशन ठीक है, किसी को चाहिए होगी हमें कमेंट करें ठीक है, उसका आंसर देंगे जी। कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप फरमाइश कर सकते हैं आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, क्योंकि दोस्तों की फरमाइश पर डोबरमैन और इस टाइप की जितनी भी वीडियोस हैं कैट से रिलेटेड डॉग से रिलेटेड हम लेके आ रहे हैं। रोटवेलर की फरमाइश थी वो भी पेड़ लाया था, उसकी भी वीडियो लगी होगी आगे, आप देख सकते हैं चैनल के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं आपकी बात काट रहा हूं जी जी, मैं प्राइस मेंशन जी जी ये बताइए कितने का मेरे व्यूअर्स को मिल जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है यही चीज़ देखने के लिए व्यूअर्स पूरी वीडियो देखते हैं। बेसिक डिमांड इसकी हम कर रहे हैं 45 ठीक है, हमारे व्यूवर्स के लिए ठीक है 35 का मिलेगा, काफ़ी आपने डिफरेंस डाल दिया है।